हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी फॉर्मवर्क होती है स्लैपी कास्टिंग के लिए, जो हम फॉर्मवर्क करते हैं उसमें जो जो सपोर्ट यूज़ होते हैं उसको इंग्लिश में क्या नाम होता है, उसका साइट की लैंग्वेज में क्या नाम होता है, वो सब आपको बताऊँगा। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको चेकिंग ऑफ फॉर्मवर्क। स्लैपी कास्टिंग से पहले जो चेकिंग करते हैं फॉर्मवर्क की, उसमें हम उसको कैसे चेक करते हैं और क्या क्या चेक करते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं उसके सपोर्ट्स के नाम बताऊंगा। उस वीडियो में बस खाली आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं। तो उसके लिए आप सबको नाम याद रखना होगा जो भी मैं सपोर्ट बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पूरी फॉर्मवर्क है, ये हमारी स्लैब कास्टिंग के लिए फॉर्मवर्क हुई है। और फॉर्मवर्क के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सेंटरिंग, एक होता है शटरिंग और एक होता है स्टेजिंग। फॉर्मवर्क के ये तीन पार्ट होते हैं, इन तीनों पार्ट को स्टेप में बताऊंगा। ये जो हमारा बीम का वर्टिकल, जितनी भी बीम में वर्टिकल प्लाई लगी है इसको बोलते हैं शटरिंग। जो भी हमारा वर्टिकल सब लगा है इसको बोलते हैं शटरिंग। और ये जो हमारा बॉटम होता है इसको बोलते हैं सेंटरिंग। ये जो हमारी बॉटम की प्लाई लगी है इसको बोलते हैं सेंटरिंग। ये जो प्लाई होती है ये 4x8 की आती है, 3x8 की आती है, उसी हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। ये हमारा सेंटरिंग हो गई, ये हमारी शटरिंग हो गई और ये हमारी स्टेजिंग हो गई। ये जो हमारी लगे हैं इसको बोलते हैं प्रॉप्स, इसको साइड लैंग्वेज में बोलते हैं जैकमुंडा, इसको जैकमुंडा बोलते हैं और ऐसे इसको प्रॉप्स बोलते हैं। और ये अब आते हैं सेंटरिंग में कि जो सपोर्ट है सेंटरिंग को कैसे सपोर्ट करते हैं। ये जो हमारा ये स्पैन है, ये हमारा जा रहा है स्पैन है, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्पैन। इसको ये हमारा एक स्पैन 2 मीटर का होता है और ये हमारा यहाँ पर से इसको कंबाइन करा गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्पैन। इसको हम लेंथ वाइज किसी तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, या जो हमारी लेंथ होती है स्लैब की उस हिसाब से उसको हम एडजस्ट करते हैं। ये हमारा एडजस्टेबल स्पैन हो गया। और ये हमारा ये जो सपोर्ट जा रहा है इसको बोलते हैं चाबी, इसको बोलते हैं, ये होता है बेस सपोर्ट, इसको साइड लैंग्वेज बोलते हैं चाबी। एक चाबी हो गई। और ये हमारा जो बीम है ये साइड सपोर्ट बोलते हैं इसको, साइड सपोर्ट, इसको भी हम साइड लैंग्वेज में चाबी बोलते हैं। ये हमारा बीम की जो साइड होती है उसको सपोर्ट करके रखता है, ये देखिए चारों तरफ लगा हुआ है साइड सपोर्ट, इसको बोलते हैं। और ये हमारा इसको बोलते हैं हम टाई रॉड, ये हम दोनों तरफ से बीम को टाइट करे रहता है। ये हम बीम की शटरिंग में होल करते हैं और इसमें हम पाइप डालते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंड्यूट वाला पाइप होता है उसी पाइप से हम उसी पाइप को होल में करके दोनों साइड से हम इधर भी जाते हैं। ये देखिए इधर इसको एडजस्ट करा गया है, दोनों तरफ से इसको हम टाइट करते हैं, इसको बोलते हैं टाई रॉड। ये हमारा टाई रॉड है। और ये हमारा हो गया, ये हमारा एडजस्टेबल क्लैंप, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल क्लैंप, साइड लैंग्वेज इसको बोलते हैं शिकंजा। ये हमारा बीम की जो बॉटम होता है उसको हमारा ये टाइट करे रहता है, ये देखिए ये यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं, इसको हैमर से मार के यहाँ से एडजस्ट करते हैं, ये बीम की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ये हमारा हो गया एडजस्टेबल क्लैंप। और ये जो हमारी लगी है हुई है इसको बोलते हैं बीम बेस सपोर्ट या बीम बॉटम सपोर्ट, इसको साइड लैंग्वेज में बोलते हैं टोपी, इसको साइड लैंग्वेज में कारपेंटर लोग टोपी बोलते हैं। इसमें बीम का जो बॉटम होता है वो सपोर्ट करके रखते हैं। अब आते हैं स्टेजिंग या प्रॉप्स, इसको साइड लैंग्वेज में जैक मुंडा बोलते हैं। इसकी जो डाया होती है वो 3 इंच डाया का होता है, ये हमारा आउटर केस है, ये हमारा इनर केस है इसका, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं हाइट वाइज, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ये स्टील बार होता है, डाई ये होता है 8 mm का, इसमें 8 mm लगा है लेकिन हो लगा होना चाहिए 12 mm, 8 mm लगाएंगे तो ये हमारा लूज रहेगा, 12 mm लगाएंगे तो ये टाइट रहेगा। ये एडजस्टेबल प्रॉप्स है, इसको यहाँ से टाइट करते हैं, लूज़ करते हैं, ये देखिए। तो आज मैंने आपको बता दिया सेंटरिंग, शटरिंग, स्टेजिंग में डिफरेंस बता दिया और उसके सब सपोर्ट बता दिए, ये साइड सपोर्ट्स हो गया, ये एडजस्टेबल क्लैंप शिकंजा हो गया, ये प्रॉप्स हो गया, वो टाई रॉड हो गया, इसको टाई रॉड बोलते हैं, और ये एडजस्टेबल स्पैन हो गया जो हमारी सेंटरिंग को सपोर्ट कर रहता है, और ये चाबी हो गई, इसको चाबी बोलते हैं, साइड सपोर्ट भी चाबी बोलते हैं, और ये बॉटम सपोर्ट जो है इसको भी चाबी बोलते हैं। अब फ्रेंड, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मवर्क की चेकिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं स्लैपी कास्टिंग होने से पहले।
तो इसके लिए आपको ये वीडियो, आपको जो जो मैंने आपको इसके नाम बताया इसको आपको याद रखना होगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ईजी लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए। थैंक यू।